बोलना चाहते हैं, कहना चाहेंगे अमानत? बोलिए ना अमानत, अमानत बोलेंगे अमानत, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलेंगे जी। आप बेकसूर रहे कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, कसूरवार मानते हैं बेकसूर मानते हैं अपने आप को? तो सारे पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी, बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला के ठिकानों पर एसी बिखी रेड, गैर लाइसेंसी हथियार और 12 लाख कैश बरामद हुए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारियों ने शुक्रवार को अमानतुल्ला के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि एक जगह से उन्हें एक बिना लाइसेंस वाली बेरेटा पिस्तौल और 12 लाख रुपए नकद मिले हैं। एसीबी की छापेमारी आप नेता अमानतुल्ला खान पर, यह छापेमारी वक्फ बोर्ड में की गई अवैध नियुक्ति से जुड़ा मामला है। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने अकोला से आप विधायक अमानतुल्ला को शुक्रवार की दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। ये मामला साल 2020 में आप विधायक पर दर्ज किया गया था। अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की एसीबी के भेजे गए इस नोटिस के बारे में भी ट्वीट किया था। इस ट्वीट में आप विधायक ने दावा किया था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस भेजी गई है। बता दें, आप विधायक अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी के भी आरोप हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हेरा फेरी सहित वाहनों की खरीद, संपत्तियों में किराएदार, अवैध नियुक्तियां सहित कुल मिलाकर आप विधायक पर भ्रष्टाचार के कई मामलों का आरोप है। दिल्ली पुलिस की एसीबी ने आप विधायक को इस संबंध में 2 साल पहले जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके अलावा आप विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। CBI ने मई 2022 में आप विधायक पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसके पहले ACB ने दिल्ली उपराज्यपाल सचिवालय से अपील की थी कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटा दिया जाए। ACB ने आप विधायक पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने इस बात का भी दावा किया था कि आप विधायक मामलों में गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। आप विधायक को ऐसे समय में ACB ने पूछताछ के लिए बुलाया था जब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में हैं और उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया भी CBI जाँच का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। अमानत आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे अमानत? बोलिए ना अमानत, अमानत अमानत बोलेंगे अमानत, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलेंगे जी। आप बेकसूर रहे कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, कसूरवार मानते हैं बेकसूर मानते हैं अपने आप को? तो सारे पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी, बिना वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कई इल्जाम, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, पैसे मिले, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में, मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं। आपके साथ ही आपके बिजनेस पार्टनर के पास से मिले पूरा साथ, लेकिन पिस्तौल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका ताल्लुक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आपको जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है 2020 की FIR, उसको अमानत थी। आप लोग